जनरल डिब्बे में सफर कर रहे, एक दिन चार लोग मर जाते हैं, एक दिन दो लोग मर जाते हैं, उनके बाद पर जब पार्लियामेंट के अंदर मैंने सवाल किया, मैंने कहा मंत्री जी आपकी सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की बात कह रही है, छह आदमी गर्मी में जनरल डिब्बे में चलने के कारण मर गए, जनरल डिब्बा तो बढ़ा दीजिए। उस पे वही हंसी मजाक ऊट पटांग वाले जवाब सरकार की ओर से आने लगे। उसके बाद आप देखिएगा, उसका मैं वीडियो उठा के भेज दूंगा, कितनी बहस उन लोगों से हुई। जो नहीं कहना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर मैंने उन लोगों को सुनाया। मैंने कहा इस पूरे सदन को, उन छह लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, आपकी नाकामी की वजह से, आपके नाकारेपन की वजह से उन लोगों की जान गई। आज ये ट्रेनों की हालत, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है। दिन रात आपको जाति धर्म के आग में झोंककर देश को अर्थव्यवस्था के जिस संकट में डाल दिया गया है, सोचिए तो रात की नींदें उड़ जाती है। हमारा आपका पैसा जो बैंकों में जमा था, मजदूरों का, किसानों का, सरकारी कर्मचारियों का पैसा, 10 लाख करोड़ रुपए उठा के चंद उद्योगपतियों को दे दिया गया। 10 लाख करोड़ में जीरो लगाने लगोगे तो थक जाओगे, इतना पैसा उठा के चंद उद्योगपतियों को दे दिया। सरकार से हम नौकरी मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं। हम मजदूरी मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं। हम कहते हैं किसानों का फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। हम कहते हैं बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। अगर हमारे लिए पैसा नहीं है तो अडानी अंबानी को पैसा देने के लिए कहां से पैसा आया तुम्हारे पास, इसका जवाब देना चाहिए। 10 लाख करोड़ रुपए हमारा उठा के दे दिया। कभी नीरव मोदी 21,000 करोड़ लेके भाग जाता है, कभी ललित मोदी 2100 करोड़ लेके भाग जाता है, कभी विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके भाग जाता है। हमारी सरकार कहती है 21,000 का कर्जा लोगे तो पकड़ के तहसील के हवालात में डाल देंगे, 21,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो तुमको बैठा के लंदन छोड़ दिया जाएगा हवाई जहाज। यह सरकार हमारे लिए पैसा नहीं। बैंक खाली हो गए तो रिजर्व बैंक का 1,76,000 करोड़ निकाल कर दे दिया। आज देश गंभीर आर्थिक संकट में है। 12.5 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े निवेशकों ने शेयर मार्केट से निकाल लिया, जिसको शेयर मार्केट को 20 साल पहले जब रघु जी ने उस पर लेक्चर दिया था तो मेरी तो समझ में नहीं आया था। उन्होंने कहा था यह सबसे बड़ा जुआ है जो शेयर मार्केट के जरिए हिंदुस्तान में चलता है, और उसको काफी विस्तार से समझाया था। उस किताब को मैंने लिखा, आपने लेक्चर दिया था उसमें, आर्थिक उदारीकरण और भारत। पूरे दुनिया में उदारीकरण की नीतियों के साथ गरीब को कैसे मारा जा रहा है और अमीर कैसे और अमीर बनते जा रहे हैं, उसके ऊपर वो किताब है, जल्दी आने वाली है दोबारा आपके बीच में, उसको जरूर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि रघु जी जो यहां पर बैठे हैं 20 साल पहले सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए जो उनकी दृष्टि थी आज वो बिल्कुल जमीन पर दिखाई पड़ रही है। ये इनकी दृष्टि थी 20 साल पहले की वो किताब, और आज भी वो जमीन पे आपको सच नजर आएगी क्या हालत हो रही हिंदुस्तान की। इसलिए साथियों और दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं किसी भी मंच पे बहुत अच्छा बोल लेता हूं, लेकिन जब रघु जी रहते हैं तो ज्यादा मैं बोल नहीं पाता हूं। ये मेरी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं ज्यादा भाषण न करते हुए आपका जो आदेश होता है उसमें हमेशा साथ रहा हूं, ना रहने का कोई प्रश्न नहीं है। तो इसलिए जो भी आपका आदेश होगा बुंदेलखंड के लिए, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय रघु जी से कि एक प्राइवेट मेंबर बिल हम सब लोग मिलकर बुंदेलखंड के लिए बनाए, उसको मैं पार्लियामेंट में लाना चाहता हूं, और बुंदेलखंड पे एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में मैं मांग भी करूंगा कि विशेष चर्चा बुंदेलखंड के ऊपर कराई जाए। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल तो मैं खुद लेके आ सकता हूँ, जिसपे सारी पार्टियों के सदस्य अपनी अपनी राय दे सकते हैं और उनका मत आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।